नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर बायसी। बायसी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीपुर मलाटोली पंचायत के पूर्णिया मोर पश्चिम चौक साबुद्दीन मार्केट में आग लगी की घटना सामने आ रही है। ये घटना रात के करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच बताई जा रही है। आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते पूरे मार्केट में छा गई और पल भर में मार्केट के सारे दुकान जलकर राख हो गया, जिसमें काफी नुकसान होने का अनुमान बताया जा रहा है। बताते चले कि खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट है, जिसमें तकरीबन 10 से 12 लोगों का दुकान जलकर राख हो गया है, जिसमें से रेडीमेड कपड़ा, मिठाई, ज्वेलर्स, बर्तन, मोबाइल आदि दुकान शामिल है। यहां के स्थानीय ग्रामीणों को पूछने से बताया कि ये आग लगी की घटना रात्रि 2 से 3 बजे के बीच शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, जो देखते देखते भयानक रूप ले लिया और रात का समय होने और आग की तपते तेज होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। वहीं आग लगने की सूचना स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद जहरुद्दीन के द्वारा अंचल अधिकारी और दमकल विभाग को दिया गया। सूचना मिलने पर बंगाल बॉर्डर करीब होने के कारण सबसे पहले बंगाल से दमकल गाड़ी घटना स्थल पहुँच कर भरपूर प्रयास करने लगे, किंतु आग तेज होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। इसी बीच कुछ समय बाद बायसी अनुमंडल से भी 2 दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचकर तथा ग्रामीणों के सहयोग से बड़ी मेहनत और मशक्कत के 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक मार्केट की सारी दुकान जलकर राख हो गया था। त्रित दुकानदार में नारायण प्रसाद शाह मिठाई दुकान, दीदार आलम रेडीमेड कपड़ा दुकान, नूर आलम कपड़ा प्रेस दुकान, शफीक आलम किराना दुकान, मनोज कर्मकार ज्वेलर दुकान, इमरान कपड़ा दुकान, कुलेश्वर मदक मिठाई दुकान, अक्षय शर्मा मोबाइल दुकान और इसके अलावा और भी कई छोटे मोटे दुकान इसमें शामिल है। वहीं प्रीत दुकानदार नूर आलम की पत्नी ने रो रो कर बताया कि हम गरीब लोग लंबे समय से यहां पर रह रहे थे और इसी दुकान से अपना जीवन यापन कर रहे थे। बेटी की शादी के लिए 1,40,000 रुपया जमा कर रखा था, जो इस घटना में जलकर स्वाह हो गया। उन्होंने आगे बताया कि हम अपने बेटी की शादी अब कैसे दिलाए। वह इस घटना की सूचना मिलते ही श्रीपुर मलाटोली के पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद जहरुद्दीन, सरपंच प्रतिनिधि अब्दुल मालिक और कई वार्ड सदस्य मौके पर पहुंचकर इस घटना की विस्तृत जानकारी ली और साथ ही सरकार के तरफ से सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। कि जो यहाँ दुकान चली है, किस चीज का दुकान था ये? ये बर्तन दुकान था, एल्युमिनियम का। ये एल्युमिनियम दुकान था, बर्तन। यहाँ पे आग कैसे लगी है, आप कुछ बता सकते हैं? ये आग बिहार का जो लाइट है उसी का जो चिंगारी से जो है ये आग लगी है और यहाँ का बहुत सा दुकान जल गया है। अच्छा खासा लेकर के आदमी बहुत परेशान है अभी, और आप देख ही रहेंगे होंगे कि हमारे यहाँ बर्तन दुकान था, ये जलकर राख हुआ है, ज्वेलर का दुकान था, उसके बाद वहाँ कपड़ा दुकान था, वो एक होलसेल कपड़ा दुकान था, इधर एक लॉन्ड्री था, वहाँ एक फल का दुकान था, वो भी जल करके राख हो गया। आपके सामने में वो एक होटल था, वो भी जल करके राख हो गया। बगल में एक मोबाइल दुकान था, वो भी जल करके राख हो गया। उसका बगल में एक जूता दुकान था, वो भी जल करके राख हो गया। कितनी दुकान जली होगी यहाँ पर? लमसम 12 दुकान यहाँ जल गया है आपके सामने। आग पर कैसे काबू पाया गया था? वो तो टैंकर आया था पानी वाला। कहाँ से? दालगुला से भी आया था और बिहार से, या बायसी से, दोनों का तरफ से आया था और दोनों का ही तरफ से। कितना का संपत्ति का अनुभव लग रहा वाला? मेरा लमसम मैं बता रहा हूँ कि मेरा 5 लाख प्लस मेरा जो है राख हो चुका है। प्रशासन से कुछ मांग है? जी, प्रशासन से मांग है कि हम लोगों को किसी भी तरह से हम लोगों को कुछ हेल्प चाहिए हम लोगों का। बताइए, यहाँ पे जो आग की घटना घटी है, ये किस तरह की घटना है और कैसे लगी है, बता सकते हैं कुछ? हम तो यहाँ तो नहीं बता सकते अभी, क्या कि हम रात को 3 बजे जब सो के उठे, पहरादार आके हमको उठाया, उस टाइम आग लग चुकी थी। आप उस समय कहाँ मौजूद थे? कौन रूम में सोए हुए थे? आपको पता नहीं चला था? नहीं, हमको पता नहीं चला था सर। फिर आप कैसे निकले? गार्ड हमको आके बोला कि भाई आग लग गया, दौड़ के आइए। तो हम उठे, उठने का देखते तो उधर आग लगी हुई थी, उस तार सर्किट से आग लगी थी कि क्या पता नहीं, हमको लगा कि वहाँ से आग लग रही थी। हम लोग निकल के बाहर भागे तो वो मिर्चा खेत होता हुआ भागे, अपना जान बचा के, रहने का ताव नहीं मिल रहा था इसलिए हम लोग जान बचा के भाग गए। कितने समय में आग लगी थी? लगभग 2:45 बज रहा था सर। तो आपका किस चीज़ का दुकान था? हमारा यहाँ कपड़ा प्रेस का दुकान था। क्या नुकसान हुआ? नुकसान में सर यहाँ घर का चौकी अगरम बगरम हुआ, साइकिल वाइकिल सब जल गया सर। पूरा फैमिली के साथ? जी, हम पूरा परिवार का, समझिए हमारा ये घर था सर, हमारा घर है, माल जाल जो भी है, माल जाल सब खत्म हो गया। जानवर जला? जानवर मेरा 2 ही था सर, एक खस्सी था, एक पाठी था जी, वह 3 गो साइकिल है और घर का सामान चौकी उकी बिस्तरा ऑलरेडी सब। मोहम्मद नूर आलम। ये यहाँ पे जो घटना घटी है आग की, ये कैसे लगी है बता सकते हो? सर हम लोग सुने लाइन से लगा, 4 बजे हमको मालूम हुआ सुबह।
लाइन से हुआ। आपका किस चीज़ का दुकान था? ज्वेलरी का दुकान था। कब से यहाँ दुकान पर है? 15 साल हो गया। तो इसके बारे में आपको कैसे सूचना मिली? फ़ोन किया यहाँ से। फिर आप कितने बजे आ करके देखे? यहाँ लगभग 4 बजे आए हैं। अच्छा, आग लगने का कुछ खुलासा हो पाई है? हाँ। कैसे आग लगी? ये आग लाइन से लगी थी, बिजली से। कितना का संपत्ति नुकसान हुआ? 2.5-3 लाख का तो होगा ही। क्या आपकी दुकान में ज्वेलरी मौजूद था? हल्का फुल्का था। आप अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में मनोज कर्मकार, हरसरा। ये कौन सी जगह है? श्रीपुर मलाटोली। आपके यहाँ जो घटना घटी है आग लगने की, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है इससे? बेटी के शादी के लिए 5-6 महीना बाद शादी दिलाने वाले थे। 1,40,000 रुपया रखे थे। 1,40,000 पूरा गाना जेवर बना के रखे थे। पूरा सर सामान था। हम लोग यहीं रहबे करते थे। दुकान में ही आप लोग घर बना के रहते? हाँ, दुकान में हम यहीं से रहते थे। 12-13 साल से यहाँ रहे हैं। 10 साल हुआ असलम मार्केट में रहे, बाकी बात पूर्णिया मोड़ में रहे। कहाँ के रहने वाले? हम लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले। किस चीज़ का दुकान था आपका? कपड़ा का, लॉन्ड्री था। आप जब यहाँ रात को सोए हुए थे दुकान पर, तो आपको इसकी सूचना कैसे मिली? डॉक्टर साहब का सलाह बोले हमको, हम लोग को उठाए तब उठे। हम लोग तो देखे बाहर हुए तो आग लगल पूरा, तो हम बच्चा उच्चा लेके भागे। एक तो बच्चा इसी में छूट गया, फिर दोबारा आके उनका पापा उठा के ले गया। कितना दिन पहले शादी की आपका? शादी कितना दिन पहले होना था शादी? 1.5 साल बाद गिराते। आस्ते आस्ते गरीब आदमी है हम लोग, मजबूर आदमी है, तो बूंदे बूंदे बूंद भरेंगे। एक बार तो 4-5 लाख रुपया नहीं निकाल पाएंगे ना, इसलिए। हमारा श्रीपुर मल्लाटोली के अंतर्गत चौचा मोजा में जो है पूर्णिया मोड़ आता है, और पूर्णिया मोड़ में जो है 10-12 दुकान जल के राख हो गया है। उसका भरमार जो है मुआवजा मिलना चाहिए। आपको इसकी सूचना कब मिली? हमको इसके सूचना लगभग 8:30 बजे मिला। क्या आप यहाँ पहुँचे तो क्या देखे आप? हम देखे जला हुआ ही नजर आया हमको। क्या लगता है इसकी सरकार से कुछ मुआवजा? सरकार को तो चाहिए कि इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि सब गरीब लोग हैं, किसी तरह जो है अपना पेट का जो है पालन पोषण करते हैं बाल बच्चे का। मेरा यही राय है कि सरकार की यहाँ हम जो है दावा यही करेंगे कि सरकार मुआवजा दे इन लोगों को। आपका परिचय? मेरा नाम अब्दुल मालिक, हम जो सरपंच का प्रतिनिधि हैं श्रीपुर मल्लाटोली। यहाँ पर श्रीपुर मल्लाटोली में एक आग लगने की घटना सामने आ रही है, इनके बारे में आप क्या बता रहे हैं? इनके बारे में हम लोग जो है ना रात में करीब 3 बजे जो है ना यहाँ से आया। डॉक्टर का एक स्टाफ उनको कॉल किया जो मुखिया जी यहाँ आग लग गई पश्चिम मार्केट में। फिर हमने फायर ब्रिगेड को जो है ना कॉल किया, तुरंत जो है ना 1/2 घंटे के बाद आया और हम भी उसके साथ में आके जहाँ तक हुआ हम लोग आग पर काबू पाए। जी बताइए कि ये आग लगने की मूल उद्देश्य कारण क्या? हमको शॉर्ट सर्किट लगा। ये परत दुकान जल कर रहा था? यहाँ 10-15 दुकान जो है ना जल कर रहा था। ये कुछ भी सामान जो है ना बचा नहीं पाया है। माल जल का बहुत नुकसान हुआ। ये घटना किस वक्त घटी? करीब 2:45। फिर इसको सूचना प्रशासन को कैसे दिया गया और प्रशासन की तरफ से क्या सहायता मिली? प्रशासन का यही है, जो उससे यही मांग करेंगे जो अगर जो सरकारी मुआवजा है सबको दिया जाए। जी अब तक प्रशासन यहाँ पे लोगों को आश्वासन देने या मदद के लिए कुछ? बस कॉल कर दिया गया, आ रहा है और आना वाला भी आया था। प्रशासन मोहम्मद जहीरुद्दीन, मुख्य प्रतिनिधि ग्राम पंचायत श्रीपुर मल्लाटोली। तो हमको पता नहीं है, सीओ साहब को सूचना दिया गया मोबाइल से, हम बोले अभी तो सीओ साहब बोला जो अभी कर्मचारी को भेज रहे हैं उसका जांच होगा। आपका नाम? उप मुखिया श्रीपुर पंचायत पति इसराइल, वार्ड नंबर 5। घटना हुआ 7 नंबर वार्ड में। कितने बजे हुआ होगा? मोटा मोटी 3 बजे। क्या आपको ये पता है कि ये जो घटना घटी है आग की, ये किस वजह से घटी है? किस वजह से हुआ तो जो यहाँ रहता है वही बता पाएगा, हम तो रात में थे नहीं, वही लोग बता पाएगा। जो ये लोग का दुकानदार जिसको परिवार लेकर रहता है वही बता पाएगा जो कैसे क्या हुआ इसमें।